है जिसने चुन लिए सारे कांटे, भूल ही भूल जिसने है बाटे, जिसने चुन लिए सारे कांटे। राज छोड़ दिया, ताज छोड़ दिया, राज छोड़ कर राज छोड़ बनवास जिसने खेला सौतेला, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने इतनी घटिया चाल चली। मैं एक बिजनेसमैन हूँ देवराज चौधरी, तुम्हारी तरह कोई गुंडा, बदमाश या क्रिमिनल नहीं हूँ जो कामयाबी हासिल करने के लिए उल्टे सीधे हथकंडे अपनाए। इसका मतलब फोन वाली खबरें? झूठ जी। ठीक है, हम चले जाते हैं, लेकिन आपको हमारी सौगंध, दूध पी लीजिएगा जी। सुनो, मैं ये सौगंध वौगंध में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं ये दूध नहीं पीऊंगा। ठीक है, मर्जी है आपकी, हम तो अपनी सौगंध दे चुके हैं। सच सच बताओ कि तुम्हारे पास मोबाइल है कि नहीं? नहीं भैया, मेरे पास पर्स मुझे दो कानूनी। आपको मुझ पर यकीन नहीं है? नहीं। आपको पता है मेरी कितनी सारी सहेलियां कॉलेज अपनी गाड़ी लेके आती हैं, खुद ड्राइव करके, और शायद उनमें से किसी के पास भी लाइसेंस नहीं है, but they don't care. But I do care, my dear, I do care. लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना जुर्म ही नहीं है, खतरनाक भी है। But dad, जिनके पास लाइसेंस होता है क्या उनका एक्सीडेंट नहीं होता? होता है ना। फिर स्नेहा प्लीज, क्या मेरी नेक्स्ट मूव नहीं बन रही और तुम्हारी टाटाएं चली जा रही है? भाई हार रहे हो तो चिड़ो मत, ओके? पर वैसे भी पिछले आधे घंटे से तो एक मूव पे अटके पड़े हो, आई थिंक तुम्हें हार मान ही लेनी चाहिए। नो वे। ओके, तुम्हें 10 मिनट और देता हूँ, चलो। मिल गई भांजे, मिल गई चाल, मिल गई चक्कर चला के। ये पैदल मारो, इससे पैदल मारो, ये ऊंट मर जाएगा लेकिन मात बच जाएगी। और ये वजीर, ये वजीर देख रहे हैं, ये वजीर सीधा यहाँ आकर मेरे वजीर को मार देगा, फिर मैं इनके वजीर को मार दूंगा, तो ये सिपाही आगे बढ़ाएंगे, फिर मुझे अपना हाथी आगे बढ़ाना पड़ेगा और इनका ऊंट सीधा यहां पहुंच जाएगा, फिर मुझे अपना दूसरा घोड़ा भी बाहर निकालना पड़ेगा, और अल्टीमेटली होगा ये कि ये सिपाही यहां पहुंचकर मुझे मात दे देगा। तो मैंने सोचा ही नहीं था भांजे चक्कर चला के। कितनी दूर की सोच लेते हैं जी। ये शतरंज है गौरी बेटा, इसमें वही जीतता है जो बहुत दूर तक सोच सकता है, और जिंदगी में भी यही फॉर्मूला काम आता है। अगर तुम ये डायरेक्ट वजीर मार दो तो? नहीं, पूछ रहा था, डायरेक्ट मात हो जाएगी फिर तो यही बेटर है, इतनी चालों के बाद भी मात होना ही है तो क्यों टाइम वेस्ट करना। शट अप भाई, मैं
आपने तो आते ही महफिल सजाई। भाई तुम्हारे साहबजादे की ख्वाहिश थी कि वो मुझे शतरंज की बाजी में एक बार हराना चाहता है। मैंने कहा ठीक है भाई, कोशिश करके देख। कोशिश ही तो कर रहा हूँ, लेकिन इतनी देर से तो हार रहे हैं। मुझे डांट के अलावा और कोई नहीं हरा सकता है। तो ऑफिस में कोई नई डील हुई है? तुम्हें कैसे पता? आप तो जानते हैं, मैं आपका चेहरा पढ़ लेती हूँ। आपके चेहरे पर साफ लिखा है कि आज कोई अच्छी बात हुई। कोई खास नहीं, बस एक NRI है जो मेरी ठंडाई के इंटरनेशनल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है। रियली? हाँ, लेकिन कमाल है कि ऐसे हालात में जहाँ लोग मेरे ठंडाई को हाथ लगाने से कतरा रहे हैं, वो मेरे साथ डील करना चाहता है, वो भी मेरे टर्म्स में। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? इसमें तो आप ही का फायदा है। मॉम, आज के जमाने में हर कोई सिर्फ अपना फायदा देखता है। अगर ऐसे में कोई दूसरे के फायदे की बात करे तो या तो वो बहुत ही बेवकूफ है या बहुत चालाक। वाह वाह भांजे, क्या बात कही। देखना जीजा जी, एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, चक्कर चला के। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ, जिसे अच्छाई में विश्वास होता है भगवान उसकी मदद के लिए किसी अच्छे आदमी को जरूर भेजता है। शायद भगवान ने इसे आपकी मदद के लिए ही भेजा हो। शायद। दूसरा मोबाइल कहाँ से आएगा मेरे पास? पर तूने तो कहा था कि तेरी भाभी ने तेरा पास अच्छे से चेक किया और उन्हें ये मोबाइल मिला नहीं। राइट। पर कैसे? पास से मोबाइल गायब कैसे हो गया? जादू से। अरे स्टूपिड, ऑब्वियसली मैंने ही मोबाइल को छुपाया था। मुझे ना पता चल गया था कि भाभी को मेरे मोबाइल के बारे में शक हो गया और वो मेरा पर्स जरूर चेक करेगी, इसलिए मैंने मोबाइल छुपा दिया। पर कहाँ छुपाया? बाथरूम में। पर अगर तेरी भाभी बाथरूम में सर्च कर लेती तो? सर्च किया था पर उन्हें मिला नहीं। बाथरूम में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तू मोबाइल छुपाएगी और पता नहीं चलेगा? अक्सर ऐसी जगह आंखों के सामने होती है पर नजर ही नहीं आती। फ्लश टैंक में। व्हाट? यस स्वीटहार्ट, मैंने मोबाइल को पॉलिथीन में पैक किया और फ्लश टैंक में छुपा दिया, बस। वाओ, कोई सोच भी नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम को कोई फ्लश टैंक में डालेगा। तू तो कमाल है। थैंक यू, वो तो मैं हूँ ही। पर अब तो करेगी क्या? भाभी को तुझ पे शक हो गया है, वो अपनी बात को प्रूफ करने के लिए तेरे पीछे पड़ जाएगी। That's right. मुझे लगता है कि मुझे अपने घर वालों को इस मोबाइल के बारे में अब बता देना पड़ेगा। पर क्या, कैसे, क्या बताएगी? यार, जिस तरह लोग अपने ब्लैक मनी को शो करके व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हैं, इसी तरह का कोई चक्कर मुझे भी चलाना पड़ेगा। नैंसी? यस मैम। ये स्नेहा और गौरी कहाँ हैं? कहीं नजर नहीं आ रहे। मैम, वो तो शॉपिंग के लिए बाहर गए हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मुझे बताकर तो गई थी दोनों। एनीवे, तुम अपना काम करो। ओके। आई हाय जीजी, ये आपने क्या किया? क्या हुआ कल्याणी? आई हाय जीजी, दोनों लड़कियों को अकेले शॉपिंग पे भेज दिया। आपको पता है ना जमाना कितना खराब है कसम से। ओफो कल्याणी, तुम भी। नाना जीजी, मैं सच कह रही हूँ, जे मैं आज भी शॉपिंग के लिए जाऊंगी तो मेरे पीछे लफंगे पड़ जावे हैं। जे दोनों तो बच्चियां हैं, इन्हें तो लुच्चे लफंगों से निपटना भी ना आवे है कसम से। कल्याणी, कभी गलती सही सही लेकिन अच्छी बातें सोचा करो। वो आगे दो। बच्चे तो लाखों पर। Oh my God, this is too much.
क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों तुम दोनों? मॉम, जब से हम लोग शॉपिंग सेंटर से निकले, एक गुंडा हमारा पीछा कर रहा है। देखा जीजी, मैं कह रही थी ना कसम से। हाँ माजी, जब हमने मुड़ के उनको ऐसे हाथ दिखाए तो डरने के बजाय वो हमारी तरफ ही आने लगा। और वाओ, हम लोग गाड़ी में बैठ कर भागे ना, वो गाड़ी से हमारा पीछा करने लगा। लो कर लो बात, आजकल तो लुच्चे लफंगे भी गाड़ी में घूमे हैं कसम से। बुआ जी, और तो और वो हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया, घर तक। क्या? हाँ, इसीलिए तो हम लोग जल्दी जल्दी भाग करके आए। और शक्ल तो एकदम हीरो के जैसी और हरकतें विलन के जैसी। अच्छा किया लल्ली, अच्छा किया, वरना ये लुच्चे लफंगे लोग पूरी गैंग लेके चले हैं, और तो और लड़कियों को घर से भी उठा ले हुए हैं मर्दूद। उस लड़की का तो बेचारी का। कल्याणी, आज तक तुम्हें तो कभी किसी ने नहीं उठाया। यही बात का तो अफसोस है, मतलब जे हमको कोई उठाता तो हम उसकी ऐसी दुर्गत करते कि वो खुद ही उठने लायक नहीं रहता कसम से। हमें पता है। गौरी, गुंडे बदमाश इस तरह बेल बजा कर नहीं आते। मैम वो पता नहीं क्या कह रहा है, शॉपिंग सेंटर दो लड़कियां यहाँ आई हैं। मैम यही वो लड़का है जो हमारा पीछा कर रहा था। Excuse me, वो माँ जी, ये वही लफंगा है। तेरा सत्यानाश हो जाए, तू घर तक पीछा करता हुआ आ गया। देखा जीजी, जमाना कितना खराब है कसम से। देखिए वो ये, मैं तो इनको क्या क्या समझ रहा था तू इनको, ये क्या ऐसे वैसे घर की लग रही है तुझे? ये ऐसे वैसे घर की ना है, भले घर की लड़कियां हैं कसम से। देखिए आप मेरी बात को समझ नहीं रही हैं। क्या समझ रही है? मीन्स व्हाट? तुम हमारा पीछा करते हुए नहीं आए यहाँ तक? हाँ, मगर शक्ल सूरत से तो तुम शरीफ घर के लगते हो। लगते हो नहीं मैम, मैं शरीफ घर का ही हूँ। हाय हाय, शरीफ घर के छोरे ये छोरियों का पीछा ना करे हैं। लुच्चे लफंगे, तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगी, फिर बताइयो तू कितना शरीफ है, तेरी तो वो ऐसी की तरह। शट अप, जस्ट शट अप एंड लिसन टू मी। अंग्रेजी में क्या बोला, क्या बोला? माना कि आपकी बेटी खूबसूरत है, लेकिन इसलिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ, मैं अपना शॉपिंग बैग लेने आया हूँ जो ये लड़की अपने साथ यहाँ ले आई है। माय गॉड, ये तो जेंट्स कपड़े। यहाँ जो मैं कुली की तरह अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ, और आप दोनों मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सॉरी बेटा, हम समझे कि आई नो मैम, आई नो, आप क्या समझे, ये तो मैं अंदर आने से पहले ही समझ गया। सॉरी वंस अगेन बेटा। स्नेहा, इनका बैग वापस करो। बैग? सॉरी। और प्लीज नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करने जाओ तो अपने शॉपिंग बैग का ध्यान रखना, वरना खामा का बेचारा कोई पिट जाएगा। तुम्हें तुम्हारा बैग मिल गया ना, जाओ। सॉरी फॉर द ट्रबल। फिर अंग्रेजी बोला। तुम दोनों सचमुच पागल हो। तुम दोनों के चक्कर में मैं भी पागल बन गई कसम से। जी हाँ मालूम है, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने बोला एक गुंडा हमारा पीछा कर रहा है, वो गुंडा लग रहा था तुम्हें शक्ल से। हम डर गए थे ना जी। So cute.
Today, no appointments with Mr. Vikram Arya. Mr. Arya is busy. Postpone for tomorrow. Yeah. Yeah. हाँ भेज दो ने आ गई है वो कौन अवंतिका शर्मा हाँ हेलो मिस्टर आर्य या हेलो या द सेम नाइस मीटिंग यू मीट मिस्टर महेश आनंद फ्रेंड एंड लीगल एडवाइजर आई नो हिम या वी ऑलरेडी स्पोकन ऑन द फोन प्लेजर मीटिंग यू थैंक यू थैंक यू सर हाउस हाँ तो मिस शर्मा आप मुझे अवंतिका बुला सकते हैं ओके अवंतिका टेल मी आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी वेल आपने शायद मिस्टर युगांक राय का नाम तो सुना होगा हाँ महेश ने मुझे उनके बारे में बताया उनको आपका सॉफ्ट ड्रिंक बहुत पसंद है इनफैक्ट वो कहते हैं कि हमारे देश का सबसे पहला सॉफ्ट ड्रिंक जिसमें हमारे देश की खुशबू आती है हमारा अपना पहला सॉफ्ट ड्रिंक यही मेरी ठंडाई की खूबी है और मैं तारीफ करूंगा आपके बॉस की जिन्होंने इस खूबी को महसूस किया उन्होंने ये भी महसूस किया है कि आज तकरीबन हर देश में हिंदुस्तानी मौजूद है और उस हिंदुस्तानी को हमारे देश की बनी हर चीज से बहुत प्यार है और उन्हें यकीन है कि अगर हमारी ठंडाई विदेशों में बसे उन हिंदुस्तानियों तक पहुंचती है तो वहां उन सॉफ्ट ड्रिंक्स की छुट्टी हो जाएगी well, आपकी बात में तो दम है मैम लेकिन इस वक्त हम इंटरनेशनल मार्केट में कदम नहीं रखना चाहते साफ लफ्जों में कहे अवंतिका तो अभी हम इसके लिए तैयार नहीं लेकिन मेरे बॉस तैयार हैं। इनफैक्ट वो इस चेन्नई की इंटरनेशनल मार्केटिंग करना चाहते हैं मैं समझता हूं अवंतिका कि इस बारे में किसी भी तरह का प्रपोजल बनाने से पहले आप लोगों ने मेरे ड्रिंक के करंट स्टेटस के बारे में जरूर पता कर लिया होगा हाँ मैं जानती हूँ कि इस वक्त ठंडाई के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है पर मेरे बॉस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जरा सोचो अवंतिका अगर विदेशों में बसे हुए इंडियंस ने हमारी ठंडाई को उसी तरह से रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा क्या होगा ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा और बिजनेस में नुकसान और फायदा तो दोनों होते ही रहते हैं इसके बावजूद मिस्टर युगांक राय रिस्क उठाने को तैयार है यस इनफैक्ट ही इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस आइडिया उन्हें यकीन है कि इसमें उन्हें फायदा होगा नुकसान नहीं मैम उनके इस यकीन की वजह जान सकते हैं वजह तो वही जानते हैं महेश साहब मगर मैं आपको इतना यकीन दिला सकती हूँ कि आपको नुकसान नहीं होगा आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर हम ये डील साइन करेंगे वी विल पे यू व्हाट यू रियली नीड इन दिस सिचुएशन इट्स अ बिग ऑफर बट वी गॉट टू थिंक अबाउट दैट मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए अवंतिका श्योर सर आप अपना वक्त ले सकते हैं पर मुझे यकीन है कि आपका इस बारे में फैसला ना नहीं होगा लेट्स होप सो थैंक यू वेरी मच सर ओके नाइस मीटिंग यू नाइस मीटिंग यू बाय के जज्बात ले